अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग इवन पेरेंट्स भी कहना शुरू कर देते हैं कि तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया, तो मैं आपको बताता हूं। इसके मां बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्ड वर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके मां बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। हमारे सरकारी तंत्र में घूसखोरों का क्या परमानेंट इलाज है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यूपी के बस्ती जिले के किसानों से जब वहां के सरकारी कर्मचारियों ने घूस मांगी तो उसके बाद जो किसानों ने सबक सिखाया वो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एक्चुअली वहां के सरकारी कर्मचारियों ने किसानों से घूस मांगा तो उसके बदले में किसानों ने एक बोरा लिया और उसमें 40 सांपों को भरा, और उसके बाद वही बोरा सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस में छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा दिया। आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को अकल तो आ ही गई होगी। गाइस इस इंसिडेंट पे आपको क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस आजकल के युवा ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे भी ध्यान देते हैं और उसी से वो नाम कर जाते हैं। जैसे कि झांसी की 16 साल की कल्याणी, वो अभी सिर्फ 12वीं क्लास में है और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक एसी बनाया है जिसकी कीमत सुनकर आप लोगों के होश फाकता हो जाएंगे। गाइस उस एसी की कीमत है मात्र 1800 रुपए। जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 1800 रुपए। अब आप लोग कहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो सोलर एनर्जी से चलता है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी एसी के मॉडल को आईआईटी दिल्ली ने नेशनल लेवल मॉडल कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट किया है, और ये देखने के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने कल्याणी को वहां पर एक सेमिनार के लिए भी इन्वाइट किया है। गाइस है ना गर्व की बात। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।